Assalamu alaikum, welcome back to my channel. In this video we are going to study lecture number 38 and that is random variable. इसमें हमने तीन टॉपिक्स पढ़ने हैं, एक रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपेक्टेशन एंड वेरियंस. अच्छा, यहाँ पे इन तीन टॉपिक्स में कुछ फार्मूलाज हमें गिवन होंगे, जो फार्मूलाज हमने याद करने हैं, ठीक है. उसके अलावा हम स्टार्ट करते हैं. अब इंट्रोडक्शन, द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट और द पॉइंट्स इन एस नीड नॉट टू बी नंबर्स. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो सैम्पल स्पेस होता है, ठीक है, उसमें जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसके आउटकम्स जो हैं वो कभी जो है वो नंबर्स होते हैं, कभी नहीं होते. जैसे हम अगर कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके आउटकम्स में हमारे पास हेड और टेल आता है, ठीक है. और अगर हम एक डाइस के पेयर को रोल करते हैं तो उसके आउटकम्स में हमारे पास इंटीजर्स आते हैं, ठीक है. वी फ्रिक्वेंटली विश टू असाइन अ स्पेसिफिक नंबर टू ईच आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट. और कभी कभी हमारा ऐसा हमें ज़रूरत होती है कि हम कोई ऐसे नंबर को असाइन कर दें उसके जो एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स के साथ, ठीक है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक नंबर कहती हूँ आउटकम 3 है और उसको मैं असाइन करी हूँ उन सब नंबर्स के साथ जो कि दो पेयर ऑफ डाई को हम जो कि पेयर ऑफ डाई को हम या दो डाइस को हम रोल करके हमें मिलेगा, ठीक है. जैसे टोटल उसका होगा, मतलब एक डाइस और दूसरे डाई के नंबर को टोटल करके जो 3 आएगा, ठीक है. सो उसको मैं वो असाइन करूँ, नंबर 3 असाइन करूँ. एग्ज़ाम्पल करेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा. जैसे यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है कि उसमें कह रहे हैं कि अगर एक कॉइन को हम टॉस करते हैं, ठीक है, तो हम हेड को 1 के साथ असाइन कर देते हैं और 0 को टेल के साथ असाइन कर देते हैं, ठीक है. और इन टॉसिंग अ पेयर ऑफ डाइस वी मे वांट टू असाइन द सम ऑफ 2 इंटीजर्स टू द आउटकम. या फिर एक पेयर ऑफ डाइस को हम क्या करते हैं, टॉस करते हैं, तो हम उसको असाइन कर देते हैं क्या, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स और टू द आउटकम. आउटकम को हम असाइन कर देते हैं कि दोनों जो इंटीजर्स आएंगे उसका सम ले लें, ठीक है. सच एन असाइनमेंट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल. और रैंडम वेरिएबल को जो असाइन करते हैं ना हम किसी भी नंबर के साथ या किसी भी चीज़ के साथ उसको असाइन करते हैं तो उसको रैंडम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है. अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज़ अ वैल्यू दैट असाइन अ न्यूमेरिकल वैल्यू टू ईच आउटकम इन अ सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस में जो भी आउटकम्स होते हैं उसके साथ एक खास वैल्यू असाइन कर देते हैं, ठीक है. इट इज़ अ फंक्शन विच मैप्स ईच आउटकम ऑफ द सैंपल स्पेस इन टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स. और ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि हर एक आउटकम को, सैंपल स्पेस के जो आउटकम होते हैं उसको एक सेट ऑफ रियल नंबर में क्या कर देता है, उसको मैप कर देता है. एक्स एस जो है वो डिनोट करेगा द सेट ऑफ नंबर्स असाइन बाय रैंडम वेरिएबल, ठीक है. रैंडम वेरिएबल से जो भी हमने असाइन किया उसको एक्स एस डिनोट करेगा. एंड एक्स इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सैम्पल स्पेस. और एक्स जो है वो एक फंक्शन है सैम्पल स्पेस से टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स. एंड एक्स एस इज़ द रेंज ऑफ एक्स, ठीक है. एक्स एस जो है वो हमारा रेंज है और एक्स जो है वो फंक्शन है फ्रॉम द सैम्पल स्पेस जो हमने सैम्पल स्पेस से लिया है. कन्फ्यूज नहीं होना, अभी एग्जांपल स्टार्ट होंगी तो समझ आ जाएगा. अच्छा, कुछ रिमार्क्स हैं. रैंडम वेरिएबल को चांस वेरिएबल भी कहा जाता है और स्टोकेस्टिक वेरिएबल भी कहा जाता है इसको, ठीक है. लेकिन इसको सिंपल वेरिएबल नहीं कह सकते, ये आपने याद रखना है. दोनों नाम भी याद रखने और ये भी याद रखना है कि हम रैंडम वेरिएबल को सिंपली एक वेरिएबल कह सकते हैं या नहीं कह सकते, ठीक है. और रीज़न भी याद रखना है, बिकॉज इट इज़ अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है तो इसलिए हम इसको सिर्फ वेरिएबल नहीं कह सकते, ठीक है. हम इसको या तो रैंडम वेरिएबल कहेंगे या चांस वेरिएबल कहेंगे या स्टोकेस्टिक वेरिएबल कहेंगे, ठीक है. अब रैंडम वेरिएबल्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय रैंडम वेरिएबल्स को हमेशा कैपिटल लेटर से हमने डिनोट करना है, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करना है. और जो वैल्यूज़ हम लेते हैं उसके लिए उसको हम क्या करेंगे, उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, करस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर. यानी कैपिटल लेटर एक्स है तो करस्पॉन्डिंग लेटर स्मॉल एक्स होगा, ठीक. अच्छा, अब पेयर ऑफ डाइस इज टॉस. अब एक पेयर ऑफ डाइस को हमने टॉस किया, द सैम्पल स्पेस ऑफ द एस कंजिस्ट ऑफ 36 ऑर्डर पेयर्स. तो सैम्पल स्पेस में कितने ऑर्डर पेयर्स होते हैं, 36 ऑर्डर पेयर्स होते हैं, ठीक है. अब हमने x को क्या करने, एक वैल्यू असाइन करनी टू ईच पॉइंट इन s, द सम ऑफ द नंबर्स. अब x को हम क्या असाइन करें कि ईच पॉइंट पे द सम ऑफ द नंबर्स. देन x इज़ अ रैंडम वेरिएबल, तो x एक रैंडम वेरिएबल हो गया विद रेंज स्पेस. अब उसकी रेंज स्पेस देखें, 2, 3, 4, 6. 2 कब आएगा, जब 1 प्लस 1, जब दोनों डाई पे 1 आएगा तो 2 होगा, जब एक डाई पे 1 दूसरे पे 2 आएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है. इस तरह से 4 कब होगा, जब एक डाई पे 1 और दूसरे डाई पे 3 आएगा, ठीक है. तो जो दोनों डाई पे नंबर आ रहा है उसको प्लस करने से जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं उस फंक्शन को हम यहाँ पे एक्स एक्स के एस उस फंक्शन को हम यहाँ पे एस के साथ क्या करें,
असाइन कर रहे हैं उसको, ठीक है, एक्स का एक फंक्शन असाइन कर रहे हैं, तो ये हमारा उसका रेंज हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, क्योंकि 12 से बड़ा कोई भी नंबर हमारे पास नहीं आएगा इस फंक्शन के लिए जो हम सम ले रहे हैं दोनों नंबर्स के, क्योंकि अगर बड़ा सबसे बड़ा नंबर भी है तो 6+6 है, ठीक है, और 6+6 से हमारे पास क्या आएगा, 6+6 से हमारे पास 12 आ सकता है, 12 से ग्रेटर वैल्यू नहीं आ सकती, सो दिस इज़ आवर रेंज, ठीक है। अब y को हम एक और फंक्शन असाइन कर रहे हैं सैम्पल स्पेस को, और उसको हम कह रहे हैं टू द मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स इन द आउटकम। अब आउटकम में मैक्सिमम आएगा, ठीक है, दोनों नंबर का जो मैक्सिमम है वो आउटकम में आएगा। तो y इज़ अ रैंडम वेरिएबल। अब y जो है वो एक रैंडम वेरिएबल है, और उसकी रेंज स्पेस क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डाई जो है वो रोल की, मेरे पास आया 1, 6, ठीक है, तो 6 जो है वो क्या है, वो ग्रेटर वेरिएबल है, ठीक, तो 6 आ गया। इसी तरह से अगर दोनों 1 है तो ज़ाहिर है हम 1 ही लिख लेंगे, और अगर हमारे पास 1 और 2 आ गया डाई पे तो जो ग्रेटर है वो 2 है, ठीक है। सो दिस इज़ द रेंज स्पेस ऑफ YS। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए जो फार्मूला यूज़ हो रहा है या जो मेथड है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। xs इज इक्वल टू x1 x2 अप टू xn, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया xx इज इक्वल टू ये सारा x1 x2 ये सारा था xn तक, ठीक है। अब xs को हम डिफाइन इस तरह से करेंगे कि f ऑफ xi इज इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू xi, तो जो फंक्शन हमारा है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम xi को पुट कर देंगे, जैसे हम सिंपली करते थे सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ पॉइंट्स इन s whose image is xi, मतलब वो वाले सारे फंक्शंस हमने यहाँ पे सारे प्रोबेबिलिटीज लिखनी है जिसका जो जिसकी इमेज है वो xi बन रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें x1 f of x1 x2 f of x2 एंड xn f of xn। अच्छा, ये दो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं, ये आपने याद रखनी है कि फंक्शन जो है वो ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा हमेशा, f of x i इज़ ग्रेटर देन योर इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, मतलब इससे स्मॉल नहीं हो सकता, -1 या -2 नहीं आएगा हमारे पास, ये अपने याद रखना है। दूसरी इसकी कंडीशन ये है कि जो सारे एफ एक्स आए हैं ना, ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ हमारे पास जो सारी प्रोबेबिलिटी आ रही है रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज़ आ रही हैं, इसको अगर हम प्लस करेंगे ना सारा, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल देख लें, आपको अब समझ आ जाएगा। एक पेयर ऑफ फेयर डाइस इज टॉस, एक पेयर जो है डाई का हमने टॉस किया है, और एक्स को हमने असाइन कर दिया है ईच पॉइंट ए बी इन एस वन, ठीक है, द सम ऑफ इट्स नंबर। एक्स को हमने क्या असाइन किया, द सम ऑफ इट्स नंबर, मतलब एक्स और एक्स ऑफ ए बी हमारे पास क्या होगा, ए प्लस बी। कंप्यूट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, अब एक्स की डिस्ट्रीब्यूशन हमने कंप्यूट करनी है, ठीक है, कि हर एक में प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। एक्स इज़ क्लियरली अ रैंडम वेरिएबल विद रेंज स्पेस। अब एक्स जो है वो एक रैंडम वेरिएबल है, उसकी रेंज स्पेस हम देख लेते हैं 2 है, 3 है, 4 है, अप टू 12 है, ठीक है। 2 सबसे स्मॉल है, अगर डाई पे 1 और 1 आता है तो वो हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया, और 12 सबसे ग्रेटर है क्योंकि अगर डाई पे 6 और 6 आ गया तो हमारे पास उसका क्या बनता है, सम 12 बनता है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि इन सब सेट्स में से हमने क्या करना है, पी एफ ऑफ 2 फाइंड करना है, ठीक है, मतलब कि 2 कब आएगा हमारे पास, 2 दो डाई का जब हम टॉस करेंगे तो उसे 2 कब आएगा, जब दोनों डाई पे 1 होगा तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो सेम प्रोबेबिलिटी में हमारे पास कितने सेट्स आ गए, कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आए, 1, ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी होगी 1/36, सही है। इसी तरह से एफ ऑफ 3 है, अब 3 हमारे पास कब आएगा, 3 हमारे पास तब भी आ सकते जब 1 और 2 आए, या फिर ये भी आ सकते कि 2 और 1 आए, ठीक है, तो हमारे पास कितने नंबर्स हो गए, 2, तो दिस इज़ 2/36। इसी तरह से एफ ऑफ 4 है, 4 हमारे पास कब आएगा, जब हम दो डाई को रोल करेंगे और उसमें हमारे पास एक पे 1 आए दूसरे पे 3 आए तो भी 4 बनता है, अगर दोनों पे 2 आए तो भी 4 बनता है, और अगर एक पे 3 और दूसरे पे 1 आए तो भी 4 बनता है, ठीक है। सो यहाँ पे कितने हो गए, 1, 2, 3, 3 हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए, तो 3/36 हमारी एफ ऑफ 4 की प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। और डिनोट जैसे करते हैं ना उसको भी देख लें, इसी तरह से एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 6 और अप टू एफ ऑफ 12 के लिए हमने कर लिया, ठीक है। एफ ऑफ 12 देखें, 12 कब आएगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12, मतलब जो एक्स है जो रैंडम वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है, 12 है। अब रैंडम वेरिएबल जिसकी वैल्यू 12 है उसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है, इस तरह से इसको लिखते हैं, और यहाँ पे इसको एफ ऑफ 12 भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखें 12 कब आएगा, जब दोनों डाई पे 6 आएगा तब 12 आएगा, सो दिस इज़ 1/36, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब डिस्ट्रीब्यूशन देख लें, जो यहाँ पे इन्होंने
टेबल बना के दिया था, ठीक है। इसको यहाँ पे देख लें, ये देखें ये सारी वैल्यूज़ एक्स आई की हैं, वो सारी वैल्यूज़ हैं जो इस एक्स की रेंज है, ठीक है। और फिर उस रेंज के हिसाब से जो उनकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं ना, तो एफ़ ऑफ एक्स में एक्स आई में हम क्या करते हैं, उसमें उनकी सारी प्रोबेबिलिटीज़ लिख लेते हैं, ठीक है। और अगर आपने टेस्ट करना है ना इस वाले फंक्शन को, सॉरी इस वाली प्रॉपर्टी को, ये सम ऑफ आई इज़ इक्वल टू वन अप टू एन, एफ ऑफ एक्स आई इज़ इक्वल टू वन, ठीक है। तो एक्स आई का सम, मतलब ये जो सारे नंबर्स हैं ना, ये जो नीचे वाले सारे नंबर्स हैं, इसका अगर आप सम लेंगे ना तो आपके पास वन के इक्वल आएगा। इसको मैंने टेस्ट करके देखा है, आप लोग भी चेक करके देखें, इसका आंसर हमेशा वन ही आएगा, ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं अ बॉक्स कंटेन्स 12 आइटम्स ऑफ विच 3 आर डिफेक्टिव, ठीक है। बॉक्स में 12 आइटम्स और उसमें से 3 जो है वो डिफेक्टिव है। सैंपल ऑफ 3 आइटम्स इज सेलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स, अब सैंपल ऑफ 3 जो है हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन अ सैंपल, अब एक्स जो है वो एक फंक्शन है और वो क्या कर रहा है, डिफेक्टिव आइटम्स को डिनोट कर रहा है। फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, अब एक्स की डिस्ट्रीब्यूशन हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हम उसका टोटल सैंपल स्पेस देखेंगे कि कितना है। तो ऑर्डर पेयर्स के हिसाब से हम सी लेंगे, ठीक है, 12C3, या तो 12C3 इसको लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, C12C3। ये तीनों इसके डिनोट करने के मेथड्स हैं, ये आपने याद रखने हैं, MCQs में आ सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, फार्मूला आपके पास गिवन है, मैंने पिछले लेक्चर्स में बहुत बार बताया है आपको, होपफुली अब याद होगा। तो उस फार्मूला में अगर इसको पुट करेंगे तो 220 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल सैंपल स्पेस में कितने हैं, ऑर्डर कितने पेयर्स बन सकते हैं, 220 पेयर्स बन सकते हैं, ठीक है। अब रैंडम वेरिएबल एक्स है, उसको एक्स से डिनोट करें। रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोटिंग द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स हैज़ द रेंज स्पेस एक्स एस, अब रेंज स्पेस जो है वो एक्स एस हो गया, मतलब एक्स फंक्शन है और एस सैंपल स्पेस में से उसके फंक्शन को हम बता रहे हैं, ठीक है। तो कितने चांसेस बन सकते हैं किस किस चीज़ के, या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 3 होगा। अब 3 डिफेक्टिव आइटम्स है ना, या तो ये हो सकते हैं कि जो हमने तीनों चूज़ किए हैं, जो तीनों हमने बल्ब चूज़ किए हैं, उसमें से कोई भी जो है वो डिफेक्टिव ना हो, तो उस सूरत में यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। या फिर जो हमने 3 चूज़ किए हैं उसमें से कोई एक जो है वो डिफेक्टिव है, ठीक है, बाकी ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 1 आ गया यहाँ पे उसके लिए, ठीक। फिर ये भी हो सकता है कि जो हमने 3 चूज़ किए हैं तो उसमें से 2 जो हैं वो डिफेक्टिव हैं, ठीक है, और एक ठीक है, सो उसके लिए यहाँ पे 2 आ गया। और थर्ड में वही बात कि जो हमने तीनों चूज़ किए हैं वो तीनों के तीनों सारे डिफेक्टिव हैं, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने करना है उसको फाइंड करना है, ठीक है, और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। पहले तो हम उसके सी कॉम्बिनेशन के फार्मूला से हम उसके टोटल सैंपल साइजेस बताएंगे, और उसके बाद फिर हमने उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, जो डिफेक्टिव आइटम्स हैं उसको सेपरेट कर दिया, और जो ठीक है उसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। 12 में से 3 डिफेक्टिव थे तो 3, और 9 ठीक थे तो 9, इनको प्लस करें तो 12 ही आता है हमारे पास, ठीक है। और नीचे देखें, 0 और 3 जो इन्होंने लिखा हुआ है, वो इन्होंने इसलिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमने क्या कहा है, एक अब हम 0 के लिए वो कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कोई भी डिफेक्टिव जो बल्ब है वो नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा, और जिसमें है बाकी सारे ठीक है, तो इट मीन्स के 3 के तीनों जो हैं वो सारे सही वाले बल्ब हम चूज़ करेंगे, सही वाले आइटम्स हम चूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल क्या होगा, 84 आ गए, 84 सैंपल ऑफ साइज़ 3 विद नो डिफेक्टिव आइटम, साइज़ 3 के 84 सैंपल हमारे पास आ गए और उसमें कोई भी डिफेक्टिव आइटम नहीं है, ठीक है। सो 84 डिवाइडेड बाय 220 ये हमारा पी ऑफ नॉट हो गया, या पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, सॉरी। उसके बाद देख लें, अब हमने क्या करना है, अब 1 के लिए फाइंड करना है, ठीक है। इट मींस के जो 3 डिफेक्टिव आइटम्स थे उसमें से एक जो है उसमें एक डिफेक्टिव हमने चूज़ कर ली है, ठीक है, और बाकी जो 2 हैं वो ठीक हैं। उसको सॉल्व करेंगे तो 108 हमारे पास आ गया, 108 ओवर 220 हम कर लेंगे तो ये हमारे पास पी ऑफ 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं 3 डिफेक्टिव आइटम्स में से हमने 2 चूज़ किए, ये जो यहाँ पे सेकंड वाला था, ये वाली एक्स के लिए एक्स ऑफ एस जो है एक्स इक्वल्स टू 2 है, तो उसके लिए हम अब पेयर्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, सैंपल साइज फाइंड कर रहे हैं। तो ये हो गया, 3 में से 2 हमारे डिफेक्टिव हो गए और एक आइटम जो है वो ठीक वाला आ गया, तो दिस इज़ 27, तो 27 बाई 20 प्रोबेबिलिटी आ गई। और इसी तरह से पी ऑफ 2 हम फाइंड कर रहे हैं, पी ऑफ 2 में एक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा,
x इज इक्वल्स टू 1 2। हाँ, पी ऑफ टू में हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 2 है, और इसी तरह से पी ऑफ थ्री में x इज इक्वल्स टू 3 है। तो इसकी इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसी प्रोबेबिलिटी होगी कि सारे के सारे डिफेक्टिव हमारे पास आ जाए, ठीक है। सो दैट वुड बी 1/220। एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरह होगी, देखें एक्स आई क्या है, 0 1 2 3, एंड पी ऑफ आई, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं एक्स एफ ऑफ एक्स आई, ठीक है, इसको आप एफ ऑफ एक्स आई लिखें तो ही बेटर है, एफ ऑफ एक्स आई, सही है। एफ ऑफ एक्स आई जो है वो क्या आ रहे हैं, 84/20 0 के लिए, 1 जो है 108/20 प्रोबेबिलिटी है उसकी, 2 की प्रोबेबिलिटी ये और 3 की ये, ठीक है। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, अब रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशंस क्या है, ठीक है, उसका भी ये फार्मूला है, उस फार्मूला को याद रखना है, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स एक रैंडम वेरिएबल और ये उसकी सारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब द मीन डिनोटेड म्यू, ये जो म्यू का साइन है, ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, रिटन एज रिटन इन ई ऑफ एक्स इज डिफाइंड बाय म्यू, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वन इंटू एफ एक्स वन प्लस एक्स टू इंटू एफ एक्स टू प्लस एक्स एन इंटू एफ एक्स एन, ठीक है, या फिर सम ऑफ सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन एक्स आई इंटू एफ एक्स वन, ठीक है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट में देखें आपको समझ आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन हमने फाइंड करनी है, ठीक है, ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इन व्हेन 3 फेयर कॉइन आर टॉस, ठीक है, 3 फेयर कॉइन जो है उसको टॉस किया हमने, तो हमने एक्सपेक्टेशंस फाइंड करनी है। पहले तो टोटल सैंपल स्पेस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, एक्स रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड्स 0 1 2 3, 0 1 2 3 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हेड्स हम बता रहे हैं कि 3 बार टॉस किया या तो एक बार भी हेड नहीं आया, 3 बार टॉस किया तो एक बार हेड आया, बाकी 2 बार जो है वो टेल आया। 2 कब आएगा, जब 2 बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगी, ठीक है, और 3 कब आएगा, जब तीनों बार हेड आएगा, ठीक, इसका समझ आ गया। ये हमारा क्या हो गया, रैंडम वेरिएबल x की रेंज बन गई। अब हमने क्या करना है, x एज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को देख लें, x नॉट 0 जो है तो वो तो कभी नहीं आएगा, ठीक है, आ सकता है लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8 है, ठीक हो गया। अब एक्स वन है, एक्स वन की प्रोबेबिलिटी 8, तो आपको पता है ना सैम्पल स्पेस है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे पास यहाँ से आया, ठीक है। सो एक्स ऑफ 0 जो है वो 1/8 है, मतलब ये 1/8 इसकी प्रोबेबिलिटी है कि कोई हेड जो है वो हमारे पास ना आए, ठीक है। एक्स ऑफ 1 जो है वो 3/8 है, 3 बार जो है, देखें यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ये 1 ये 2 ये 3, 3 बार ऐसे हो सकता है कि हमारे पास हेड आए, ठीक है। एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ 2 में अब हमने वो गिनने हैं जिसमें 2 दफ़ा हेड आएगा, ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो 3/8, 2 दफ़ा हेड आए, ये देखें, सॉरी ये मैंने टी को ही कर दिया था, इसको हेड को करना था, ठीक है, वो वाला जिसमें क्या हो, एक दफ़ा हेड आए, देखें ये एक दफ़ा हेड आया है, यहाँ पे भी एक दफ़ा हेड है एंड यहाँ पे भी एक दफ़ा हेड है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक दफ़ा हेड के लिए आ गया 3। अब एक्स ऑफ 2 मतलब के हेड जो है वो 2 दफ़ा आया, अब 2 दफ़ा वाले गिनने, देखें एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया एंड दिस इज़ थर्ड पेयर, इसमें 2 दफ़ा हेड आए, ठीक है, सो दिस इज़ आल्सो 3/8। अब एक्स ऑफ 3 मतलब तीनों के तीनों हेड आए, तो वो सिर्फ एक ही बार हो सकता है, ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी है उसके, सो दैट इज़ 1/8। अब हमने क्या करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो फार्मूला हमारा ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू एफ एक्स नॉट प्लस एक्स वन इंटू एफ एक्स वन, ठीक है, ये वाले एक्स नॉट में ये वाली वैल्यूज आ जाएंगे, 0 × 1/8 प्लस 1 × 3/8 प्लस 2 × 3/8 प्लस 3 × 1/8, यहाँ से आपने वैल्यूज़ देख के इधर नीचे पुट करनी है, ठीक है, फार्मूला आपको याद होगा तो आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अच्छा, आप क्या करना है, आप कह रहे हैं आप प्लेयर टॉस 2 फेयर कॉइन्स, ठीक है, ही विंस रुपीज़ 1 इफ 1 हेड अपीयर्स, रुपीज़ 2 इफ 2 हेड अपीयर, अगर एक हेड आया तो 1 rupees उसको मिलेगा, अगर 2 हेड आया तो उसको 2 हेड अपीयर रुपीज़ 2 मिलेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, लेकिन उसके जो है 5 rupees वो लॉस कर देगा इफ़ नो हेड्स अपीयर, अगर कोई भी हेड ना आया। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द गेम एंड इफ़ इट इज़ फेवरेबल टू बी प्लेयर, टू बी प्लेड है, अच्छा यहाँ पे प्लेयर नहीं है, टू बी प्लेड है। अब हमने उसके एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो बतानी है और ये बताना है कि फेवरेबल है या नहीं है, तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हमारा 4 आ गया, ठीक है।
टू हेड्स आएंगे तो वन ओवर टू इंटू वन ओवर टू, क्योंकि हेड एक वन ओवर टू हो गया, ठीक है, और दूसरे हेड के लिए भी हमने वन ओवर टू कर लिया। अब हेड टेल है तो हेड के लिए क्या आ गया, वन ओवर टू, टेल का भी वन ओवर टू है, और दोनों को प्लस करके फिर वन ओवर टू इंटू वन ओवर टू, ठीक है। और नो हेड्स तो ये वन ओवर टू इंटू वन ओवर टू, ये हमारे पास क्या आ गई, प्रोबेबिलिटीज़ आ गई टू हेड्स की, वन हेड की एंड नो हेड की। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, नो हेड पे हमारे पास क्या आ रहा है, नो हेड पे हमारे पास हम 5 रुपीज़ लॉस कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम नो हेड वाली जो प्रोबेबिलिटी है उसको माइनस करेंगे, ठीक है, नो हेड वाली साइड को। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 × 1/4, ठीक है, 2 × 1/4, क्योंकि दो हेड है हमारे पास, 1 × 1/2। अब 1 × 1/2 क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हेड कितनी है, एक हेड है, ठीक है, एंड 5 × 1/4 क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 जो है, 2 1/4 2 कब होगा, जब हमारे पास दोनों हेड्स है, उसके साथ हमने नंबर क्या असाइन किया था, उसके साथ हमने नंबर 2 असाइन किया था, ठीक है। यहाँ पे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दो हेड हमारे पास आए तो हम कितने जीतेंगे, 2 रुपीज़ जीतेंगे। अगर एक हमारे पास हेड आए तो हम कितने नंबर जीतेंगे, 1 रुपीज़ जीतेंगे, ठीक है। और अगर 1/4 आए तो यहाँ पे हमें कितने रुपीज़ मिलेंगे, 5 रुपीज़, सॉरी हमारे कट हो जाएंगे, 5 रुपीज़ का हमें लॉस मिलेगा, ठीक है। तो 1/4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5 × 1/4 करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास आता है -0.25, इट मीन्स कि गेम हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, ठीक है, और प्लेयर के लिए भी नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट वाला भी है, बस इसमें इन्होंने जो है क्या कर दिया, कॉइन को वेट कर दिया, हेड को 3/4 कर दिया और टेल के वेट को 1/4 कर दिया। इट मीन्स जहाँ जहाँ हेड होगा वहाँ 3/4 आएगा और जहाँ पे टेल होगा वहाँ पे 1/4 आएगा। देखें हेड हेड है तो 3/4 × 3/4 और 1/4, इसी तरह से आपने करना है, ठीक। फिर इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर देनी है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। बी में भी इसी तरह से करना है, ठीक है। और फिर उसका क्या फाइंड करना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी है, 0 × 1/64, 1 × 9/64 और इसी तरह से, ठीक है। अब वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या करना है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी फार्मूला है। वेरिएंस ऑफ एक्स मेजर द स्प्रेड एंड डिस्पर्शन ऑफ एक्स फ्रॉम द मीन एंड इज डिनोटेड एंड डिफाइंड एज वेरिएंस ऑफ एक्स को क्या करते हैं, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वार एक्स, वार मतलब वेरिएबल एक्स, ठीक है। एंड सम ऑफ आई इज इक्वल टू एन एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू एफ एक्स आई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स, यहाँ पे एक्स आई की जगह इन्होंने कैपिटल एक्स लिख लिया, एंड एफ ऑफ एक्स आई, ठीक है, एफ ऑफ एक्स आई और एक्स आई को इसको, ठीक है, इसकी जगह इन्होंने क्या लिख लिया, एक्स लिख लिया, माइनस म्यू होल स्क्वायर। और इस तरह से इन्होंने क्या किया, एफ ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, एंड ये हो गया। इसका आपने सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है, ऊपर वाली ये जो है ये याद नहीं रखना, ये प्रूफ है, ठीक। तो फार्मूला हमारे पास आ गया, सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर, ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया, अपने याद रखना है। अब क्या है, लास्ट एक्सप्रेशन वेयर्स, अब सिग्मा एक्स क्या होता है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएबल एक्स, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन x डिनोटेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे डिनोट किया जाता है, सिग्मा x से डिनोट किया जाता है, इज़ अ नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएबल x, वेरिएबल x का जो नॉन नेगेटिव है ना, वेरिएबल x से हम निकालते हैं तो प्लस माइनस आता है, ठीक है, तो नॉन नेगेटिव मतलब माइनस वाली वैल्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारे फार्मूलाज हो गए, ये वेरियंस का फार्मूला है, ठीक है, दिस इज़ द फार्मूला फॉर वेरिएंस एंड दिस इज़ द फार्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अच्छा, अब हमें एक टेबल इन्होंने दिया हुआ, उस टेबल में से हमने क्या करना है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और हमने मीन निकालना है इसका, ठीक है। एक्सपेक्टेशन हमने मीन मतलब जो म्यू था, ठीक है, उसकी उसको कहते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है, वो हमने निकालना है। देखें, ये कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन निकालें, वेरिएंस निकालें और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड करनी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करते हैं, जो फार्मूला हमारे पास है, ये टेबल गिवन है, इधर से हम देखेंगे, ठीक है, 1 × 1.4 + 3 × 0.1, 4 × 0.2
ये हमारा फार्मूला है सम ऑफ एक्स आई इंटू एफ एक्स आई, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.0 आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने वेरियंस फाइंड करना है, या तो इसको सिग्मा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, या ई एफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स आई स्क्वायर इंटू एफ एक्स आई, तो ये हो गया 1 स्क्वायर इंटू 0.4 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 0.1, 4 स्क्वायर इंटू 0.2, हमारे पास आ गया 12, ठीक है। अब ई एक्स स्क्वायर हमने क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमें वेरियंस में ई एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये हो गया सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू वार एक्स इज इक्वल टू ई एफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, और ई ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया 12, तो 12 माइनस 3.0 होल स्क्वायर, और ये हमारे पास 3.0 आ गया। अब इसका हमने क्या फाइंड करना है, वार एक्स हमारे पास वेरिएबल एक्स आ गया। अब वेरिएबल एक्स का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आता है 1.7 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। इसी तरह से ये अगले वाले क्वेश्चंस भी हैं। पहले हमने क्या करना है, पहले उसकी हमने रैंडम वेरिएबल के हिसाब से उसकी हमने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने कंडीशन क्या कही हुई है, इन्होंने कंडीशन कही हुई है कि एस इज़ द लार्जर ऑफ टू इंटीजर्स, ठीक है, मतलब दो इंटीजर्स में से जो सबसे लार्जर होगा। 1 1 तो एक ही सूरत में आएगा, अब 2 1 में सबसे लार्जर वैल्यू कौन सी है, 2 है, ठीक है। 3 1 में लार्जर या बिगेस्ट वैल्यू कौन सी है, 3 है, ठीक हो गया। और 4 में क्या है, 4 लार्जेस्ट वैल्यू है। तो यहाँ पे जो पेयर्स बने हैं वो इस हिसाब से बने हैं, ठीक है। फिर उसकी क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है, उसमें से पहले एक्सपेक्टेशन निकालनी है, फिर ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। ई ऑफ एक्स स्क्वायर से हमारे पास वो आ जाएगा, वेरियंस आ जाएगा, और उसके बाद फिर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। फार्मूलाज आपके पास सारे गिवन है, ये फार्मूलाज आपने याद करने होंगे, ठीक है, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर, आई होप आपको लेक्चर समझ आएगा। अगर कोई क्वेश्चन है या कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, एंड जो एग्जांपल्स रह गई हैं अगर उसमें भी कोई कन्फ्यूजन तो आप पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।